डेनमार्क से खबर शामिल करेंगे जहां पर ऑल पाकिस्तान क्रिश्चियन लीग के रहनुमा नवाज सलामत, मुमताज मसीह डॉक्टर साकिब अयूब और फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले समाजी कारकुन राजेश हमीद ने डेनमार्क में मुकर्रर पाकिस्तानी सफीर अहमद फारूक से मुलाकात की। तीनों मसीही रहनुमाओं ने पाकिस्तान और डेनमार्क के दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर सफारत खाने खासतौर पर अहमद फारूक की काविशों को सराहा। तीनों रहनुमाओं ने अहमद फारूक से दरख्वास्त की है कि वह हुकूमत पाकिस्तान तक मसीही कम्युनिटी का मौका पहुंचाएं कि मसीहियों को अपने वोट से अपने नुमाइंदे चुनने का हक दिया जाए। अहमद फारूक ने कहा कि पाकिस्तान में बसने वाली अकलियतें हमारे बहन भाई हैं, पाकिस्तान को बनाने और मजबूत रियासत बनाने के लिए भी अकलियतों की गराए कदर खिदमत है। एम्बेसडर अहमद फारूक ने यकीन दिलाया कि वो हर फॉर्म पर अकलियतों के हकूक की बात करते रहेंगे और उन्होंने तीनों रहनुमाओं से मुखातिब होते हुए कहा कि पाकिस्तान एम्बेसी आप लोगों का दूसरा घर है और इसके दरवाजे आप लोगों के लिए 24 घंटे खुले हैं। मीटिंग के इख्तिताम पर राजेश हमीद ने पाकिस्तान की सलामती और अमन के लिए दुआ की गई।